हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे, मजे लेंगे, हंसेंगे, खुश होएंगे। विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, ग्रेट। साउथ अफ्रीका हारी, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप 2023। तो जब हम लोग देख रहे थे तो मेरी जान निकली पड़ी थी। मुझे ये था कि कहीं विराट जो है वो सेंचुरी के मतलब उसमें ना थोड़ा वो उस टाइप से जो है क्या कहते हैं प्रिकॉशंस जो लेते हैं या जो ध्यान है वो सब वो भूल के कहीं सेंचुरी के चक्कर में छक्का ना मारने के चक्कर में कहीं आउट ना हो जाए। मुझे ये था कि आराम से करो पर सेंचुरी बना लो। आराम से खेला था इस बार, आराम से खेला था। तो उसके बाद जब जैसे ही सेंचुरी बनी थी उसके बाद दोनों ने फिर कहा था कि चलो अब हम दिल खोल के जितना बचे हैं रन्स उनको उसमें अब जितने बना सकेंगे जल्दी जल्दी बॉल्स में जितने रन्स हम धड़ाके से जल्दी से बनाएं। तो वो पार्ट भी मैंने देखा था, तो उस पर वो रिकॉर्डिंग में नहीं था, तो वो पार्ट मैंने देखा था और मज़ा आया था। और बेस्ट था कि हम लोगों ने कमाल का रन बनाया, हमने अपनी सारे ओवर्स भी किए और वहाँ उल्टा साउथ अफ्रीका वो सौ भी नहीं बना पाया और पूरे ओवर भी नहीं खेल पाया। दैट वॉज अमेजिंग। तो चलो मजे लेते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज उन चैनल्स में आ रहे हैं। तो ये ना हो आप बोलो भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं आप तो करते नहीं और पता चले वहां पे पड़े आपके वीडियोज रिएक्ट होके। और वही साउथ अफ्रीका वालों आ गया स्वाद। नहीं सुजी है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक, रणतंत्र में आपका स्वागत है। और साउथ अफ्रीका वाले कल के मैच से पहले क्या उछल रहे थे। पहले बैटिंग करते थे, क्विंटन डिकॉक, क्लासेन, मार्करम, मिलर सब मिलके 300-400 बना देते थे। अब जब रियल बोलिंग यूनिट से सामना हुआ तो पतलून गीली हो गई। 327 का इनका टारगेट था, 127 भी नहीं बनाए गए। अरे इंडिया का टारगेट तो छोड़ो, साउथ अफ्रीका वाले विराट कोहली से 18 रन से हार गए। गजब बेइज्जती है यार। और कोहली भाई आप भी क्या चीज हो भैया, बर्थडे वाले दिन वर्ल्ड कप में सेंचुरी, किंग लेवल स्टफ भैया, किंग लेवल स्टफ। किंग कोहली के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने अपने आरजे रौनक वाले चैनल पर भी डाली है, जाकर जरूर देखना क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। लेकिन कल सबकी नजरें विराट कोहली पर थी, उनका बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए। हाँ, ये देखा था मैंने, ऐसे लिखा हुआ। देखो किंग लोगों की आदत होती है अपने बर्थडे पर दूसरों को गिफ्ट देने की। शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर डंकी का टीजर दे दिया, विराट कोहली ने दे दी सेंचुरी, पूरे 101 रुपए का शगुन का लिफाफा चढ़ाया है। डीकॉक साइड में बैठा रो रहा है, मार्करम के आंसू कम नहीं हो रहे हैं। और महाराज के साथ जो ऐसा सलूक हुआ है ना बाबा, ऐसा तो कोई नौकर के साथ भी नहीं करता। और लॉर्ड बबूमा भैया उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जाकर आराम से होटल में सो। लेकिन आपके लिए सोने का नहीं जागने का टाइम है क्योंकि आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी स्कीम जो आपके ओपिनियन को पैसे में कन्वर्ट कर देगी। कैसे वीडियो में आगे बताता हूँ, लेकिन पहले कोलकाता में हमने साउथ अफ्रीका वालों का जुलूस कैसे निकाला वो बताते हैं। हुआ ये कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता, कहा पहले बैटिंग कर लेते हैं, और फिर भाई साहब क्या बल्लेबाजी करी। ईडन गार्डन को रोहित गार्डन ऐसी थोड़ी ना कहा जाता है, यहाँ पर उनके बल्ले से डबल सेंचुरी निकल चुकी है। वो जब यहाँ आते हैं तो भैया धोकर जाते हैं, चाहे इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलें या मुंबई की तरफ से। मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा की इनिंग ने ही मैच में हमें आगे कर दिया था क्योंकि 5 ओवर में जब 61 रन बन गए और रोहित शर्मा 24 में 40 बनाकर आउट हो गए, उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर तेज खेलने का प्रेशर नहीं था। विराट कोहली और अय्यर बिल्कुल रिलैक्स होकर खेले, टाइम लिया और एक बार जब सेट हो गए तो फिर तबीयत से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू की। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिखाया कि भाई ये उनका इलाका है और रेस में विराट कोहली से वो आगे निकल गए। लेकिन लगातार दूसरे मैच में अय्यर 77 था पर कोई नहीं, जो मैच देख रहे थे उनको अय्यर की सेंचुरी चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए उनको सिर्फ किंग की सेंचुरी से मतलब था। उसकी भी थी, मैंने कहा वो भी बना ले, वो भी बना ले। अब इनमें भी कई लोगों का ये कमेंट आया कि भैया कोहली सेल्फिश हो गए, उन्होंने देश से ऊपर अपनी सेंचुरी को रखा। तो ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो कल मैं लेकर आऊंगा, फिलहाल अभी मूड खराब नहीं करते क्योंकि कल विराट द किंग ने टाइम लेकर अपनी 49वीं सेंचुरी मार दी और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। दूसरी तरफ जड्डू भैया ने टीम के रनों की रफ्तार बनाए रखी और इंडिया ने 50 ओवर में 326 रन बना डाले। इन 326 रनों में विराट कोहली के 101 बहुत कीमती थे, इतनी ही कीमती आपकी ओपिनियन भी है। तो भाई लोग ओपिनियन की वैल्यू करना सीखो, कहीं भी कभी भी किसी को भी अपना ओपिनियन मत दो क्योंकि ओपिनियन का सही इस्तेमाल आप रोबो ऐप पर कर सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यस या नो में अलग अलग टॉपिक्स पर ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हो। अब देखो वर्ल्ड कप चल रहा है, कई सारे सवाल उससे जुड़े हुए भी हैं कि क्या श्रीलंका बांग्लादेश के सामने जीतेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हराएगा, यस या नो। मैंने तो जवाब दिया है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी किया है। आप ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हराएगा पता नहीं, पर मैं चाहती हूं अफगानिस्तान जीत जाए ताकि पाकिस्तान आउट हो जाए। वीडियो पे वापस आते हैं, साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 327 चाहिए थे और जैसा कि आपको पता है आईसीसी
सी इंडिया को अलग बॉल देती है, तो वो अलग बॉल लेकर एक बार फिर से सिराज और बुमराह आ गए। जिस पिच पर साउथ अफ्रीका वाले पहले जा रहे थे उस पिच पर मोहम्मद सिराज ने आते ही क्विंटन डिकॉक को आउट कर दिया और पाकिस्तान में बैठे हसन रजा को पतले दस्त लग गए हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा पतले दस्त लगे थे साउथ अफ्रीका वालों को, क्योंकि जहां इस टीम को टारगेट बनाने को दिया जाता है वहीं ये टीम जेट स्प्रे और लोटे के बिना मैदान पर ही कर देती है। क्या वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम समझ जाएंगे। ठीक है, रोहित भाई भी खिलाड़ी आदमी है, उन्हें पता है कि पिच स्पिनर की मददगार है, इसलिए कल वो पहला बॉलिंग चेंज रविंद्र जडेजा को लेकर आए। जडेजा ने आते ही विकेट निकाली और शमी का तो आपको पता ही है, मैदान कोई भी हो, टीम कोई भी हो, उस आदमी को खाली विकेट लेने से मतलब है। वो फिर से पहले ओवर में विकेट ले गया, फिर से आया, फिर से ले गया। 40 रन तक आते आते साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। स्वर्ग में बैठे नेल्सन मंडेला जी ने भी गांधी जी से कह दिया होगा कि आप तो अहिंसा के पुजारी थे बापू, और आपकी टीम हमारी टीम के साथ हो रही है। लेकिन जडेजा भाई को साउथ अफ्रीका वालों का दर्द नहीं दिख रहा था, वो तो धड़ाधड़ विकेट लिए जा रहे थे और अपने खाते में उन्होंने 5 विकेट लिख लिए। साउथ अफ्रीका 83 बनाकर ऑल आउट हो गई और इसी के साथ इंडिया का पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करना तय हो गया। अब हमारा मुकाबला तय है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान या अफगानिस्तान में से किसी से होगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी दिल में एक थोड़ा डर है। क्या डर है वो मैं आपको आगे, अगर वो आ गया ना फोर्थ होगा, भारत भी जीता है, कोहली की भी सेंचुरी आई है कि नहीं। और आप भी सेलिब्रेट करिए खूब सारा पैसा जीतकर प्रोबो ऐप पर, जहां पर आप अपनी ओपिनियन से पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो, नाम है प्रोबो, ₹25 का वेलकम बोनस है, और एंजॉय करो। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना, कोहली के लिए कुछ बढ़िया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्या लगता है आपको, कोहली भारत के सबसे शानदार बल्लेबाज बनने जा रहे हैं? क्या कहना है आपका कोहली के इस रिकॉर्ड की बराबरी जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करी उसके बारे में? बाकी कोहली के ऊपर स्पेशल वीडियो हमने स्वतंत्र भी बनाया बोले तो आरजे रौनक चैनल पर, तो जाकर वहां भी जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। तो भैया खुशियां ही खुशियां, मजे ही मजे। देखो इंडिया की टीम बहुत अच्छी तरह मजे से विन की, कोहली ने अपनी सेंचुरी बनाई, इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। अगर कुछ और होता तो बहुत दुख होता, पर दिस वाज लाइक जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो सिचुएशन थी। तो भैया सब खुश, हम खुश, आप खुश, कोहली खुश, इंडिया खुश, सभी खुश। रोने वाला कौन है? साउथ अफ्रीका। अभी तो ये हैरानी हो रही है कि अभी भी हम हो सकता है पाकिस्तान से खेलें, न्यूजीलैंड से खेले, क्योंकि जो भी फोर्थ पोजीशन में आएगा उससे हमने खेलना है। तो इसका मतलब फोर्थ पोजीशन की लड़ाई हो रही है न्यूजीलैंड के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में, और कोई बच गया क्या बता देना। अब इन तीनों में से या जो भी बचे हुए हैं इन जिनके लग रहे हैं स्कोप, उनमें से बताओ कि आप किसको चाहते हो कि वो फोर्थ प्लेस पे आए और इंडिया उसके साथ खेले। पाकिस्तान लिखाना तो फिर देख लेना, बता। देखिए इस मैच में ये था कि सभी लोगों को लगता था कि साउथ अफ्रीका बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। मुझे भी लगता था। उनका पूरा जो कॉन्फिडेंस है चकनाचूर हो गया। मुझे तो बहुत मजा आया। उनको बिल्कुल ही रात को भयानक सपने आएंगे, उनकी हालत खराब हो गई है कि बुरी तरह से हारे हैं। मुझे समझ नहीं आ गया क्या सभी होता था। साउथ अफ्रीका बड़ा पावरफुल है, पता लगा देयर नॉट, मेरे दिमाग में यही था, नथिंग, देख नहीं रहे थे। उसकी वजह से उनको बहुत ही उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे उनकी क्या हालत होती है। बट पर साउथ अफ्रीका भी, साउथ अफ्रीका फर्स्ट प्लेस पे हमें, सेकंड प्लेस पे साउथ अफ्रीका, तो दोनों तो क्वालिफाई हो गए हैं सेमीफाइनल के लिए। तो अब सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस का है, तो अब मेन हो रहा है कि फोर्थ प्लेस में कौन होगा। जो फोर्थ प्लेस पे होगा वो खेलेगा फर्स्ट वाले से, जो कि है हम। ये भी अच्छा है कि वैसे सोचने वाली बात है कि जो कर रहे हैं अब लड़ाई, वो फर्स्ट वाला सबसे कमजोर वाले से लड़ेगा, ये फेयर नहीं है। मगर ये है कि एक बार किसी को बुरी तरह से हरा देते हैं तो दोबारा उसको नहीं खिलाना चाहिए उसी टीम से। हाँ, वो तो हर चुका है अब। एक बार हरा दे, कितनी बार हराएंगे? अब हम जीत तो गए हैं, देखो इसी में जीत हो जानी चाहिए थी। ये वर्ल्ड कप हो गया, समथिंग करेक्टली स्पीकिंग, आप सबसे खेल चुके हो है ना, और उसके बाद आप फर्स्ट प्लेस पे हो, आप जीत चुके हो। बिल्कुल यहाँ पे जीत खत्म हो जाती है, वर्ल्ड कप यहाँ पे खत्म था, तो समझ लो हमको वर्ल्ड कप मिल गया। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।